हेलो गाइज, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइज, ONGC की तरफ से एक स्कॉलरशिप निकल के आई है स्पोर्ट्स कोटा की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। न्यू दिल्ली वसंत गुंज की तरफ से ये निकल के आई है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने गेमों की वैकेंसी है और जो अचीवमेंट है अचीवमेंट के हिसाब से उसके अंदर कितनी वैकेंसी निकल के आई है और क्या एज क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है स्कॉलरशिप में, प्लस आपकी क्या क्या अचीवमेंट मांग रखी है इसमें, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है और इसकी जो प्रक्रिया क्या रहेगी अप्लाई करने की। तो गाइज़, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइज़ आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट भी करता है आपको अपडेट करने के लिए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो गाइज़ बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, मैंने अभी आपको बताया कि ONGC की तरफ से ये स्कॉलरशिप निकल के आई है स्पोर्ट्स कोटा की न्यू दिल्ली की तरफ से। तो गाइज़, अब बात करें कितने गेमों की ये स्कॉलरशिप है, तो आप देख सकते हैं टोटल 22 इसमें गेम है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैन एंड वुमेन की ये वैकेंसी निकल के आई है स्कॉलरशिप की। तो गाइज, सब जूनियर है, जूनियर है, सीनियर है। तो गाइज, मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये जो PDF है पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा सरलतापूर्वक। और आप देख सकते हैं सब जूनियर के अंदर टोटल कितनी इसमें वैकेंसी निकल के आई, 25 है, और जूनियर के अंदर 75 है, सीनियर के अंदर 150 है, और टोटल गाइज इसमें जो वैकेंसी निकल के आई है स्कॉलरशिप की 250 इसमें टोटल वैकेंसी है। ठीक है, मैन एंड वुमेन की, तो आप देख सकते हैं अपना अच्छी तरह आप देखना जो इसमें गेम आप खेल रखे हो वही गेम हो। ठीक है, अदर कोई गेम ना हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आपकी जो सर्टिफिकेट अचीवमेंट है बिल्कुल जेन्युइन हो, ठीक है, तो आप अप्लाई करना। इसकी जो अप्लाई क्रिया रहेगी ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, जो गाइस ONGC स्कॉलरशिप जो निकलती है बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, बिल्कुल अब गेम के ऊपर ध्यान देती है, जो आपकी जो फैसिलिटी है सुविधा है बिल्कुल अच्छी तरह देती है, कोई आगे पीछे नहीं रहती। जो अभी गेम हो रहे हैं खेल के आ रहे हैं उनके लिए उसके थ्रू ये निकाली गई है स्कॉलरशिप, हर साल निकलती है अलग अलग उसके हिसाब से। तो गाइस, अब बात करें आपकी जो एज क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है, 14 साल से लेकर 25 साल तक इसमें बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है कैंडिडेट है। ठीक है, और अब बात करें गाइस जो चेस खेले हैं, जिमनास्टिक है, स्विमिंग है, कम से कम आपके 10 साल से ऊपर आपका एज होनी चाहिए, 10 ईयर्स एज होनी चाहिए ऊपर। ठीक है, और जो आपकी एज कंडक्ट की जाएगी 1 अप्रैल 2022 तक की जाएगी, और अब देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर द मैक्सिमम एज फॉर विच स्कॉलरशिप कैन बी ग्रांटेड इन 25 ईयर्स दे आर फॉर एप्लीकेंट अप टू द एज ऑफ 24। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 कैन बी अप्लाई फॉर द स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ठीक है, एज कंडक्ट 1 अप्रैल 2022। ठीक है, 2022 तक आपकी एज कंडक्ट की जाएगी। और गाइज, आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्लस क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट और आधार कार्ड और 10वीं क्लास सर्टिफिकेशन ANY1। गाइज, आपके पास ये तीनों में से एक है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चल जाएगा, प्लस 10वीं क्लास सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी, 10th मार्कशीट। और आप देख सकते हैं जो नेशनल खेले हुए हैं सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, जो नेशनल लेवल पे है जो मेडल है, तो आपको 15,000 पे स्कॉलरशिप यानी स्पॉन्सर किया जाएगा आपको ONGC द्वारा, इंटरनेशनल लेवल पे 20,000 है। तो गाइज़, आप अच्छी तरह इसको पढ़ना, आपकी स्कॉलरशिप है बिल्कुल अच्छी तरह जैन तरीके से आपको पूरी फैसिलिटी सुविधा ONGC द्वारा आपको दी जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बेनिफिट एंड फैसिलिटीज टू द स्पोर्ट्स पर्सन, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम आपको जो किट है बिल्कुल सुविधा के हिसाब से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करें जो नेशनल खेले हुए हैं। अभी आके बताऊंगा क्या क्या आपके अचीवमेंट है, नेशनल खेले हैं, ऑल इंडिया खेला हुआ है आदमी, पार्टिसिपेशन है ऑल इंडिया या नेशनल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, उनके लिए भी ये सुविधा है, नंबर के हिसाब से आपको दिए जाएगा, बिल्कुल भरे जो गरीब बच्चे घर से हैं बिल्कुल भरे, ताकि इसमें जो बंदा ये बिल्कुल सपोर्ट करती है गाइज, जो ये स्कॉलरशिप निकलती है, जो कि कोई सी ONGC लगा लो या FCI लगा लो, फूड कॉरपोरेशन वाली लगा लो, ठीक है, निकलती रहती है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप और अदर कोई निकलेगी तो गाइज आपको इन्फॉर्मेशन अड्डा द्वारा आपको माध्यम से बता दिया जाएगा सरलतापूर्वक, ताकि आप इसमें भाग ले सकें और अप्लाई कर सकें। तो गाइज, अप्लाई इसकी ऑनलाइन रहेगी, और आप देख सकते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन आपका
क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है। द प्रोफेशंसी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन विल बी एवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस इन नेशनल इवेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एसोसिएशन। ठीक है गाइज, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि था कि जो आपकी सर्टिफिकेट अचीवमेंट है बिल्कुल गवर्नमेंट से अप्रूव होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर वाले इसमें ना जाएं, अप्लाई ना करें, अप्लाई तो करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन आप जो खेले हुए हैं, फेडरेशन है आपकी, स्पोर्ट्स फेडरेशन या एसोसिएशन है, बिल्कुल इसके अच्छी तरह इसमें अप्लाई करें। ठीक है, द क्राइटेरिया फॉर बैडमिंटन, बिगर्स, स्नूकर्स, गोल्फ, शूटिंग, स्क्वैट्स, टेबल टेनिस एंड पैरा गेम्स वेयर रैंकिंग इंटरनेशनल नेशनल लेवल इज़ अवेलेबल। जो गाइज मैंने अभी बताए हैं, बैडमिंटन, बिलार्ड, स्नोकर से बताए हैं गाइज, आपकी जो रैंकिंग के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। जो आपकी फर्स्ट रैंकिंग है तो 30 नंबर, जो सेकंड रैंकिंग है उसी हिसाब से आपको नंबर मिले जाएंगे, पॉइंट मिले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे, जैसे आपकी नेशनल के अंदर रैंकिंग 1 है तो पॉइंट आपके 50 मिलेंगे, 2 है तो 49 मिलेंगे। तो गाइज आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, ठीक है, आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, सरलतापूर्वक अच्छी तरह पढ़ना, उसी हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा आपका ये स्कॉलरशिप जो भी है। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं जो सेकंड क्राइटेरिया जो रहेगा, एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग, कैरम, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, रेसलिंग, पैरा गेम्स विल बी ऑन बेस्ड फॉलोइंग स्कोर मैट्रिक्स। तो ये जो रहेगा लेवल और पार्टिसिपेशन, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, जो इंटरनेशनल में, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ठीक है, फर्स्ट है तो आपको 25 मार्क्स मिले जाएंगे, पॉइंट होगा आपका, सेकंड है तो 22, थर्ड है तो 20, पार्टिसिपेशन के 15, तो एशियन कॉमनवेल्थ के 20 है, सेकंड के 18 है, थर्ड के 16 है, पार्टिसिपेशन के 13 है। तो गाइज आप अच्छी तरह इसको पढ़ लेना, आपके जो फेडरेशन के हिसाब से आपको पार्टिसिपेशन जो ये पॉइंट है दिए जाएंगे। अब बात करें गाइज ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम खेले हैं, जो इनका पार्टिसिपेशन है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जो पार्टिसिपेशन है नेशनल गेम में, फेडरेशन में, कप में, ऑल इंडिया में, खेलो इंडिया में, खेलो इंडिया यूथ में, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो पार्टिसिपेशन है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अब बात करें गाइज आपकी जो अचीवमेंट है, क्या इसमें रहने वाली परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस आपकी 21 से लेकर 20 यानी 2021-22 आपकी लास्ट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। जो 21-22 के जो गेम आपने खेले हैं, अचीवमेंट आपने जीती है, ओलंपिक हुए थे जो 2020 के ओलंपिक हुए थे 2021 में हुए हैं, ठीक है, जो 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाए, जो कि 2021 में हुए थे वो भी हो गए, कॉमनवेल्थ भी हो गए, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी नेशंस गेम भी चल रहे हैं, यूथ हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अचीवमेंट आपकी 2021-22 की आपकी जो लास्ट परफॉर्मेंस रही है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोसेस रहेगा बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपका। तो आप देख सकते हैं अब क्रिकेट के जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपने प्लेयर शुड बी हैव प्लेड एटलीस्ट 5 मैचेस, आपने कम से कम 5 मैचेस खेलने चाहिए। बैट्समैन में 5 मैचेस में आपने 100 बॉल्स, स्ट्राइक रेट, टोटल रन स्कोर्ड, नंबर ऑफ मैचेस प्ले, आपने बिल्कुल जो ये इसमें बता रखे 5 मैच के अंदर 100 बॉल, जो भी क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई करें बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, आप अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है। चेस के अंदर टोटल पॉइंट्स होते हैं, स्कोर रेटिंग के हिसाब से आप बिल्कुल पढ़ लेना, ये चेस का क्राइटेरिया है, जो जो आपके पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर पॉइंट होते हैं गाइस चेस के अंदर, ठीक है, तो आप अच्छी तरह इसमें पढ़ना बिल्कुल तरीके से। अब बात करें गाइस आपका जो नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग फॉर टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय वर्ल्ड चेस फेडरेशन 21-22 टिल लास्ट डेट सबमिशन और एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जो रैंकिंग के हिसाब से वर्ल्ड चेस है ना फेडरेशन है, उसी हिसाब से आप देखना आपकी रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो गाइस जो पार्टिसिपेशन वाले हैं वे भी अप्लाई करें, करके देखें, ठीक है, जो ये खेले हैं ओलंपिक खेले हैं पार्टिसिपेशन है, मेडल है, या कॉमनवेल्थ गेम खेले हैं, ठीक है, या पार्टिसिपेशन है, नंबर के पॉइंट के हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे, जो अचीवमेंट के हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे से हैं, घर से हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेशन कर रखा है जिन्होंने, तो अप्लाई करें बिल्कुल ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया रहेगी। तो गाइस ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो 22 गेम्स मैंने बताए हैं वही इसमें अप्लाई करें, और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड अप्लाई करें, प्राइवेट सेक्टर वाले ना अप्लाई करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें।
और गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जो डाउट है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो गाइज़ हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गाइज़ आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट भी करता है आपको अपडेट करने के लिए। और गाइज़ आपको पता है मैं स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट लाता रहता हूँ टाइम टू टाइम अपडेट इन्फॉर्मेशन अड्डा के द्वारा, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।